एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन में। इस एपिसोड में हम जानेंगे एक विशिष्ट पहचान पत्र आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड आज की डेट में हर इंसान के लिए अनिवार्य हो चुका है, चाहे वह बैंक से लोन लेना हो या बैंक में नया अकाउंट खुलाना हो या वीजा या पासपोर्ट या राशन कार्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या डिलीवरी लाइसेंस हो, हर चीज़ में आधार कार्ड ज़रूरत हो चुका है। पहले आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, उसके बाद इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो ही रखे करोड़ बोल रहे 20 करोड़ बोल रहे ना, अभी 20 करोड़ गवर्नमेंट ले बोले 20 करोड़ गवर्नमेंट ले तो आधार कार्ड वैलिड भी बनवे। ये वीडियो था बिहार के सहरसा जिले के प्रखंड सलखुआ, जो एक ब्लॉक के जस्ट नज़दीक में आधार कार्ड सेंटर खुला हुआ है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब इससे क्वेश्चन आंसर मैंने किया, यह बोला हम गवर्नमेंट को ये पूरा सेंटर लेने के लिए 20 करोड़ रुपये दिए हैं। जब उससे बोला, उससे हम पूछे फिर बोली एक बार, तो उसने बोला 20 लाख रुपए दिए हैं। तो वो पैसे किसको जा रहा है? शुरू में जो है गवर्नमेंट फ्री में बनवाया आधार कार्ड, उसके बाद फिर बोला ये मैं नहीं ले रहा हूँ पैसे, ये कंपनियां ले रही है। कंपनियां क्यों ले रही है? क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं बना सकती है? जैसे वोटर आई डी कार्ड, वोट लेने के लिए तो फ्री में डॉक्यूमेंट्स बनता है, फिर ये कंपनी को क्यों दिया है? किसी भी कंपनी को क्यों दिया आधार कार्ड बनाने के लिए? पैसे लूटने के लिए? हमको लगता है जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों को खुली छूट दे रखी है गवर्नमेंट, किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में कोई भी बिजनेस करने के लिए, उससे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की बर्बादी भारत को। गवर्नमेंट तो साला नेता लोग घूसखोर है, वो किसी भी कंपनी से पैसे लेती है, अपना जेब भरती है। ठीक उसी प्रकार आधार कार्ड में भी हो रहा है। इन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रखा है कि आदमी का आधार कार्ड बनाओ, उससे पैसे खींचो, हम तुमसे खींचते हैं, तुम उनसे खींचो। जहां एक ओर आधार कार्ड भारत के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो चुका है, वहीं पे ये गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे रखी है या किसी के लिए आधार कार्ड बना सकता है। लेकिन वही गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इन प्राइवेट कंपनियों से लाखों करोड़ों रुपये ले रहा है आधार कार्ड बनाने के लिए। इस कंपनी के जरिए हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है मनमाना, चाहे वो 200 हो, 500 हो, पता नहीं और कितना कितना लिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट बोल रही है हम एक भी पैसा नहीं ले, तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये जो कंपनी बना रहे हैं वो खा रहे हैं, या जो फिर बना रहा है वो खा रहा है? यदि ये गवर्नमेंट रुपया नहीं ले रही है, ये कंपनी रुपया नहीं ले रही है, तो फिर यहाँ पे इतना धोखा क्यों हो रहा है? आदमी को जानकारी होना चाहिए कि आधार कार्ड बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना नहीं लगता है। जिस प्रकार से SBI बैंक में सूचना बोर्ड लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार हर एक आधार कार्ड सेंटर पे एक एक सूचना बोर्ड लगा रहना चाहिए, ताकि आदमी के साथ धोखा ना हो सके। गवर्नमेंट बोलती है जब कोई 5 साल के से नीचे बच्चा का आधार कार्ड बनेगा, उसका जन्मतिथि होना अनिवार्य है। वहीं यदि 5 साल से ऊपर का बच्चे आधार कार्ड बनाता है, उसका एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और दूसरी ओर यदि कोई भी नाम, जगह, जन्मतिथि बदलना हो, तो उसके लिए आपको 50 रुपये देना होगा। वहीं यदि बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट या आंख का स्कैनर चेंज करना हो, तो उसके लिए 200 रुपये लगेंगे। फिर ये नया आधार कार्ड बनाने में 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये क्यों लिया जा रहा है? आप लोग पूछिए आधार सेंटर से, ये
कौन ले रहा है पैसे?